अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद है मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी पे। तो आज हम एक और न्यू रेसिपी बना रहे हैं। भाई गर्मी इतनी पड़ रही है कि हर जगह मैं देख रही हूँ आइसक्रीम और जूसेस के स्टॉल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ एक आइसक्रीम की डिलीशियस रेसिपी शेयर करूँ जो आप घर पर बना सकें। तो चलिए मिरकल बनाते हैं हम ड्राई फ्रूट की ये आसान सी आइसक्रीम कुल्फ़ी। तो सबसे पहले हम यहाँ दूध ले लेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने पूरा आधा लीटर दूध लिया है। जब तक दूध हल्का गर्म होता है, जब तक यहाँ पे हम आगे की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बोल लिया है उसके अंदर दूध है, तो लगभग एक कप के बराबर दूध है। और उसके अंदर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ, वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है यहाँ पे मैंने। आप देखिए अगर आपको मिलता है तो, क्योंकि मोस्टली अवेलेबल तो होता ही है हर जगह पे, वनीला फ्लेवर का ही अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे कि इसके अंदर जो है लम्स ना रहे, यानी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए पाउडर की। तो बस आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। जब तक इसके जो पाउडर है जो हमने डाला है अच्छी तरीके से पिघल ना जाए, दूध में घुल ना जाए, तब तक आप इसे अच्छी तरीके से हिलाते रहिए। पाउडर की अगर गुठलियाँ हैं भी तो वो अपने आप धीरे धीरे जो है पाउडर अंदर पिघल जाएगा। अब इसे हम रखेंगे साइड पर। दूध में आप देख सकते हो उबाल आने को है, तो इसी वक्त हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी, सो दैट हमारी जो शक्कर है, जो चीनी है, वो साथ ही साथ प्रॉपर टाइम पे पिघल जाए। दूध के पकते पकते चीनी भी हमारी जो है पिघल जाएगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस। अब ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए, कोई बात नहीं है। बस इसका एक जो खुशबू है और एक फ्लेवर है बस वही आएगा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे अच्छी तरीके से हम हिला लेंगे या मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें डाली है चीनी भी और वनीला एसेंस भी, तो हाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमने दूध को हमने तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर 1 या 2 उबाल ना आ जाए, तो तब तक हमें दूध को पका लेना है अच्छी तरीके से। देखिए जब इतनी हेल्दी तरीके से आप आसानी से जो है घर पर ही आइसक्रीम बना सकते हैं, तो फिर बाहर क्यों जाना, किस लिए जाना, है ना। तो देखिए यहाँ पे दूध को अभी हम डाल देंगे इलायची। तो यहाँ पे 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और शक्कर भी इसके अंदर पिघल चुकी है, शक्कर भी पिघल जानी चाहिए और अब तक हमारा जो इलायची पाउडर है वो भी अच्छी तरीके से घुल गया है। आप देख सकते हो दूध में मिक्स हो गया, हमारी शक्कर भी ऑलरेडी पिघल चुकी है। अब बस एक और दूध में हम उबाल दे देंगे। तो दूध में एक और उबाल आ चुका है, अब वक्त है हमारा कस्टर्ड का मिक्स फिर से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड जो है नीचे सेटल हो चुका होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये गया कस्टर्ड दूध के अंदर। गैस मैंने इस वक्त एकदम ही लो फ्लेम पर रखी है, वरना दूध जल जाएगा। अब हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारा जो दूध है हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब कस्टर्ड डालने के बाद आपको दूध को चलाते रहना है, वरना जो दूध है वो नीचे बॉटम पर स्टिक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे जो है गाढ़ा होने लगा है, थिक होने लगा है बिल्कुल। अभी फिलहाल तो ये सूप की तरह हुआ है, इसे थोड़ा और गाढ़ा करना होगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने ले लिया है काजू, बादाम और ढेर सारा पिस्ता। जी हाँ, अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी आप इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो मेन इंग्रेडिएंट है ना रेसिपी का, ड्राई फ्रूट कुल्फी जो है, तो ये जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा और हम जो है गाढ़ा कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा हो चुका है गाढ़ा, बस इसे थोड़ा और करना है गाढ़ा, और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दूध को पकाया है तो दूध की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम हुई है। यहाँ पे मैंने अभी चख लिया है कि शक्कर मिठास बराबर है या नहीं है।
तो यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ सही है, जितना गाढ़ापन हमें चाहिए था उतना हो चुका है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम गैस से उतार लेंगे। अब देखिए, मार्केट में इस तरीके के कुल्फी के मोल्ड बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिनके ऊपर देखिए ये इस तरीके से होते हैं और इन पर ये ढक्कन लगे होते हैं, तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन केस ये नहीं है या आपके आसपास नहीं है, तो आप इस तरीके के ग्लास के अंदर भी कुल्फी बनाकर जमा सकते हैं। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोल्ड होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास इस तरीके के ग्लास भी नहीं है तो आप मार्केट से जो चाय के पेपर के ग्लास आते हैं आप वो ले सकते हैं और उसमें भी अपनी कुल्फी जमा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुल्फी का जो मिक्सचर है वो इस कंटेनर में डालेंगे, और ये ध्यान रखना है आपको कि आपको कुल्फी के कंटेनर को फुल ऊपर तक नहीं भरना है, आपने इस तरीके से थोड़ा खाली रखना है और इसे बंद करके हम रख देंगे अंदर। अगर आपने फुल किया तो ये पूरा जो है ऊपर तक आके स्टिक हो जाएगा और फिर आपको ढक्कन जो है इसका खोलने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जब भी आप इस तरीके की कोई आइस की चीज़ बनाते हो जो आपको फ्रीज़ करनी है, तो वो फ्रीज़ होने पर थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है, थोड़ी ऊपर हो जाती है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। जो भी सांचा आप भर रहे हैं कुल्फी के लिए, या कुल्फी का सांचा है या ग्लास है, उसे आप कम्प्लीटली ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। मिक्सचर इतना गर्म है कि शुरू में मुझे हाथ पे चढ़ लगे, तो मैंने इस तरीके से कपड़े का इस्तेमाल किया है पकड़ने के लिए मोल्ड्स को। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जिनके पास मोल्ड्स नहीं है कुल्फी के, ये उनके लिए है, तो इसी तरीके के ग्लास में आप कुल्फी का मिक्सचर डाल दीजिए और इसे फ्रीज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए दो ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है कुल्फी का तो आपने कैसे करना है, कुल्फी के सांचे अगर तो आपके पास नहीं है तो। अब इस तरीके से जो है यहाँ पे मैं फॉइल पेपर से इसे ढक लूँगी। अब ये क्यों किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है कि जब आप इसे निकालेंगे ना कुल्फी को, जब आप बाहर निकालेंगे या आपकी आइसक्रीम, आप देखेंगे कि जो आपने फॉइल लगाई है ना उसके ऊपर बर्फ होगी, तो वो बर्फ़ जो है हमारी कुल्फी के ऊपर लेयर ना बने, इसीलिए इसे इस तरीके से ढकना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी कुल्फी जाएगी फ्रिज में 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे भी पूरे हो चुके हैं, यह है दूसरा दिन, और देखिए हमारी कुल्फी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है और हमारी कुल्फी तैयार हो चुकी है। तो मैंने आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल किया है, मैंने आइसक्रीम स्टिक डाली है इसके अंदर, और इसे हाथ से इस तरीके से रब करते हुए लूज हो गई है अंदर से, और मैंने इस तरीके से इसे घुमाकर निकाल ली है, तो हमारी जो ड्राई फ्रूट की जो कुल्फी है वो तैयार हो चुकी है। अब इसे इस तरीके से थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कुल्फी में डाले थे पकाते वक्त, वही मैंने थोड़े से बचा लिए थे इसकी टॉपिंग के लिए, और देखिए हमारी डिलीशियस सी कुल्फी तैयार है। कुल्फी का तो हो चुका है, कुल्फियाँ हमने देख ली, अब वो दो ग्लास बाकी है जो मैंने ऑप्शनल के तौर पे आपको बताए थे, तो अब ग्लास का भी मैं आपको एक निकाल के बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें नाइफ इंसर्ट की है और इसे निकाल लिया है मैंने, तो देखिए बिल्कुल ही कुल्फी के शेप के बराबर ही है ये, बस थोड़ी सी मोटी है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इस तरीके से काट कर जो है आप सर्व कर सकते हो। आप देखो कि कितना सॉफ्ट और स्मूथ कुल्फी बनी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है ये, और बस इस तरीके से इसे हम स्प्रेड कर लेंगे, इसकी प्लेटिंग कर लेंगे, और इस पर भी हम जो है हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो है गार्निश कर लेंगे। तो देखिए हमारी कुल्फी तैयार हो चुकी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इस गर्मियों के मौसम में अपने दिल को थोड़ी ठंडक देना। एक और आइसक्रीम की रेसिपी है जो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी,
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है। ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी और जब आपने इसे बनाई तो इसका टेस्ट आपको कैसे लगा। आई होप आप सबको रेसिपी पसंद आई है, ऑब्वियसली आई होगी, इतनी प्यारी रेसिपी है। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।